वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन में जो भी पोस्ट है उसी सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं इंडियन पोस्टल सर्विस के बारे में। तो ये भी एक पोस्ट है, यानी कि आपका जो भी रैंक आता है उसके हिसाब से आपको ये अलॉटमेंट किया जाता है और आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आपको ये पोस्ट मिलता है इंडियन पोस्टल सर्विस में। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि इंडियन पोस्टल सर्विस क्या है। तो इसमें जो भी ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट होता है जिनका भी, उनका काम होता है कि पोस्ट जो है इंडियन पोस्ट, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा पोस्टल सर्विस है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ फैसिलिटीज़ एंड इट्स नेटवर्क, तो इन ऑफिसर्स का काम होता है कि इसको अच्छे से मैनेज करे, इसको मेंटेन करे और इसको अच्छे से रन वेल करे। तो इंडियन पोस्ट जो है सो कि एक ट्रेडिशनल मेलिंग फंक्शन है, जो कि अभी तो इतना ज़्यादा प्रिविलेंट नहीं है, फिर भी ये पोस्ट्स है और इसमें रिक्रूटमेंट ज़्यादा नहीं होता है बट फिर भी होता है। और ट्रेडिशनल मेलिंग फैसिलिटीज़, ई कॉमर्स हो गया, बैंकिंग सिस्टम है और जो भी ओल्ड एज पेंशंस यानी कि वृद्धा पेंशन जिनको मिलता है तो ये भी पोस्ट से ही मैनेज किया जाता है। तो इन ऑफिशियल्स के द्वारा ही ये सब मैनेजमेंट होता है। इसके अलावा मनरेगा में जो भी वेजेज हैं, ये सारे वेजेज भी पोस्ट के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है और ये पोस्ट में जो भी ऑफिशियल सिलेक्ट होकर जाते हैं वही ये काम करते हैं। तो ये सब कुछ काम है जो कि ये करते हैं। बैंकिंग सेक्टर है यानी कि पोस्ट का अपना बैंक भी है तो उसको भी ये कंट्रोल करते हैं। ई कॉमर्स व इंडियन पोस्ट, कुछ हम लोग कुरियर करते हैं या कुछ भी हम लोग कभी सामान मंगवाते हैं तो वो भी इंडियन पोस्ट के द्वारा आता है कभी कभी, तो ये ई कॉमर्स का भी एक फैसिलिटी प्रोवाइड करने लगा है। और ये ट्रेडिशनली तो मेलिंग फंक्शन था, वो अभी भी है। पहले के ज़माने में क्या होता था, चिट्ठी लिखा करते थे लोग, तो ये मेलिंग फंक्शन उस टाइम से प्रिविलेंट है। ये अभी थोड़ा सा कम है बट फिर भी अभी भी ये फंक्शन करता है। तो ये मेन फंक्शन था इंडियन पोस्ट का और ये दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है फॉर पोस्टल सर्विसेज, विच इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर आवर कंट्री इंडिया कि इतना बड़ा ये पोस्टल सर्विस को मैनेज कर रहा है। और इसके जो ऑफिशियल्स है उन पे भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड दे आर ऑल्सो वेरी हाई क्लास सिविल सर्वेंट, जो कि इसमें ये रिक्रूटमेंट होता है उनका और ये काम करते हैं उसमें। तो इसमें जो पोस्ट है पोस्टल सर्विस में वो क्या क्या है जिसमें आपको सर्विस करना पड़ सकता है, तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस है यानी कि हेड ऑफ़ द पोस्ट ऑफिस है। उसके बाद जो रेलवे का मेलिंग सर्विस है उसका भी सुपरिटेंडेंट आपको बनाया जा सकता है। और इसमें हेड ऑफ़ द पोस्ट दैट इज पोस्ट मास्टर जनरल और डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट, ये सब ऑफिसर्स ग्रेड के जो भी रिक्रूटमेंट है इसमें हो सकता है। और अगर इन ऑफिशियल्स का रिक्रूटमेंट या फिर पोस्टिंग अगर फील्ड पे होता है तो इन्हें जनरल पोस्ट यानी कि पोस्ट मास्टर ऑफ जनरल और ये चीफ पोस्ट मास्टर का भी इनको यानी कि पोस्ट मिल सकता है एट द फील्ड। और धीरे धीरे इन ऑफिशियल्स का जब ये प्रमोशंस होता है उसके बाद ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ये पोस्टल बोर्ड का जो ऑफिस है, मतलब कि उसमें सीनियर जनरल हो सकते हैं और सेक्रेटरी जनरल भी हो सकते हैं अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अब बात करते हैं इनका फंक्शन क्या है। तो ग्राउंड लेवल पे इनका जो फंक्शन है वो मॉनिटर करना एंड मैनेजमेंट करना डिविजनल पोस्टल सर्विसेज को, और जो भी उसमें मेंटेनेंस है और जो भी फंक्शन को स्ट्रेंथन कर सकता है मेजर स्टेप्स ये ले सकते हैं फॉर स्ट्रेंथनिंग इट्स फंक्शन ऑफ द मेलिंग सर्विस। और इनका इसके अलावा जो फंक्शन है कि एक्सपेंड करना अपने नेटवर्क को, कि ताकि जिस जगह पे भी सर्विस स्लो है या फिर नहीं पहुंच पाया अभी तक, यानी कि इन द सेंस ऑफ कि ये कहीं पे फंक्शन स्लो हो जाता है, जैसे कि ई कॉमर्स है, अगर किसी रिमोट एरियाज़ में वो फंक्शन अवेलेबल नहीं है, फॉर एग्जांपल डिलीवरी ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स और डिलीवरी ऑफ एनी ऑनलाइन परचेज थिंग्स, तो क्या है कि ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का काम है कि वो मैनेज करे और वहाँ पे सिक्योरली उस चीज़ को ये कुरियर करने के लिए या फिर जो भी मेजर स्टेप्स है वो ले सके सिमलेसली। और इंडियन पोस्टल सर्विस का जो भी इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस फैसिलिटी है, बैंकिंग फैसिलिटी है, उनको प्रमोट करना, मार्केटिंग टेक्निक को यानी कि इस तरह से अपना मार्केटिंग करना कि ताकि लोग इससे जुड़े इंडियन पोस्ट से और इसमें जो भी फंक्शन है अच्छे से काम करे,
लोग इस पर ट्रस्ट करें, ये सब काम इन ऑफिशियल्स का है मैनेज करना और मेंटेन करना। और इंडियन पोस्ट का जो भी रिलेशन है विद द अदर एजेंसीज ऑफ द गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल एनी ऑफिशियल्स जो भी डील करते हैं इंडियन पोस्ट से, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जब भी कुछ किसी चीज़ को, यानी कोई सर्टिफिकेट या कोई भी चीज़, किसी का कॉल लेटर है, किसी का जॉब लेटर है, कुछ भी जब सेंड करना होता है तो ये सब इंडियन पोस्ट से ही होता है। तो इन्हीं ऑफिशियल्स का काम है कि गवर्नमेंट एजेंसीज और इंडियन पोस्ट का जो भी रिलेशन है उसको स्ट्रेंथन करना और उनको ये अच्छा फंक्शन करके देना। तो अब बात करते हैं कि इनका ट्रेनिंग किस तरह से होता है। तो जैसे आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करके जाएंगे तो सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ, यानी कि एकेडमिक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ पे आपका ट्रेनिंग होता है। और उसके बाद फिर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होता है आपका पोस्टल इंस्टीट्यूट में, रफ़ी अहमद किड़वाई पोस्टल अकेडमी, जो कि यहाँ पे यानी कि आपको ट्रेनिंग दिया जाता है फॉर बीइंग इन द इंडियन पोस्टल सर्विस। एंड आफ्टर गेटिंग दिस ट्रेनिंग यू आर पोस्टेड इन एनी पोस्टल सर्विसेज इन आवर कंट्री, और वहाँ पे आपको सर्व करना पड़ेगा। और कुछ ऑफिशियल्स जो इंडियन पोस्टल सर्विस में आते हैं, यानी कि वो प्रमोशन से भी आते हैं फ्रॉम ग्रुप बी ऑफ द सेम डिपार्टमेंट, यानी सिविल सर्विस के जो बी ग्रुप में होते हैं, आफ्टर डूइंग सम सर्विसेज एंड आफ्टर कपल ऑफ ईयर दे गेट प्रमोशन एंड कम इन टू दिस पोस्टल सर्विस ऑफ ग्रुप ए कैडेट।